बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्सक्राइब कीजिए डेली लाइफ टिप्स यूट्यूब चैनल को और साथ में घंटी को भी दबा दें। घर में दाखिल होते वक्त बस ये अमल और वज़ाइफ कर लें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं। खुदा की कसम, कभी रिज़्क की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। घर में दाखिल होते वक्त ये एक काम कर लें, रिज़्क चप्पर फाड़ कर आएगा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है, जो आदमी घर में दाखिल होते वक्त तीन बातों का एहतमाम करेगा, रिज़्क उसके दरवाजे तोड़ कर आएगा। पहला, वो घर में दाखिल होते वक्त अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहे, ख्वा सामने कोई मौजूद हो या ना हो। उसके बाद एक मरतबा सूरह इखलास पढ़े और फिर मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजे। एक शख्स आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी गुर्बत और तंगदस्ती बयान की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपने घर में दाखिल होते वक्त सलाम किया करो, चाहे कोई घर में मौजूद हो या ना हो। फिर मुझ पर दुरूद व सलाम भेजो और एक बार सूरह इखलास पढ़ो। उस शख्स ने ये अमल किया तो अल्लाह ताला ने उसकी रोजी में इतनी बरकत और कुशादगी दी कि ना सिर्फ उसके पड़ोसी बल्कि उसके रिश्तेदार भी फैजियाब होने लगे। अल्लाह पाक का वो नाम जिसे पढ़ने वाले यकीनी तौर पर बेपनाह अमीर हो जाते हैं। चूँकि अल्लाह ताला के हर नाम की अलग खासियत और अलहदा सिफत है, लिहाजा इनके फ़ायद और ख्वास भी मुख्तलिफ हैं। या रहमानु हर नमाज के बाद 100 दफा विद किया जाए, या रहीमु हर रोज फजर की नमाज के बाद 100 मरतबा विद करने से आप पर हर शख्स मेहरबान हो जाएगा और मोहब्बत और शफकत से पेश आएगा। या रज़ाकु, जो शख्स इस इस्म का विद करता है अल्लाह ताला उसकी कफालत अपने जिम्मे ले लेता है। या वहाबु, दुआ के बाद कोई शख्स इसका विद करे तो उसकी दुआ कबूल होती है। दोस्तों, आप भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए इस अमल को और इन वज़ाइफ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। इंशाल्लाह कभी रिज़्क की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा और जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। अच्छी बातें दूसरों को बताना भी सदका जारिया है। इस वीडियो को सवाब की नीयत से दूसरों को भी लाजमी शेयर करें। शुक्रिया दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ऐसी वीडियो रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।